हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी ऑनली चैनल। तो मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए एक और नया टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत सिंपल है, मैं आप सभी को जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आज का ये जो टॉपिक है बहुत खास है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आज का ये जो टॉपिक है वो है फिल्म इंडस्ट्रीज के बारे में। तो हम आज जानेंगे कि भारत की पहली फिल्म कब बनी थी, किसने बनाई थी, कितने मिनट की बनी थी और किसने उसको बनाया था, बनाने वाले कौन थे। वैसे तो हम आज पता है बहुत से थिएटर्स में जाते हैं तो मूवीज हम लोग कलर स्क्रीन पे देख पाते हैं, 3D में देखते हैं, बहुत VFX टेक्नोलॉजी आई है, उसमें VFX वगैरह डाले जाते हैं। तो बहुत सारे इसमें अभी तो बहुत परिवर्तन आ गया है फिल्म मूवीज में, बहुत सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स आ गए हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो यूज की जाती है। तो आज का जो है फिल्म उद्योग है वो एक अलग लेवल पे पहुंच चुका है अपना भारत का। और पहले ये सब इतने से पहले जो इतना सब फैसिलिटी अवेलेबल नहीं था जितना आज के टाइम में है। अभी तो आपका साल में जो एक ही कैरेक्टर तीन चार मूवी बना लेते हैं, बट पहले ऐसा नहीं था। तो भारत की जो पहली फिल्म है उसकी शुरुआत मुंबई में हुई थी। बेसिकली मुंबई को हम सपनों का शहर, माया नगरी भी कहते हैं, जहाँ पे लाखों लोग एक्टर बनने के सपने से आते हैं और यहाँ पे उनको वो जो अपने सपने को पूरा करते हैं। और मुंबई को जो बेसिकली आर्थिक राजधानी यानी फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है भारत की, आप सभी को पता होगा। और ये जो है बॉलीवुड यानी कि फिल्मों का गढ़ भी इसको कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पे भारत के सब बड़े बड़े जो प्रोडक्शन हाउस है वो सब यहीं पे है। सबसे बड़े जो प्रोडक्शन हाउस है, प्रोड्यूसर्स है, डायरेक्टर्स है, एक्टर्स है, और उन सब के प्रोडक्शन हाउस वगैरह सब यहीं पे हैं। तो इसके लिए इसको माया नगरी भी कहा जाता है। तो आज हम जानेंगे कि भारत की पहली फिल्म कब और कैसे बनी। तो भारत की जो पहली फिल्म है वो राजा हरिश्चंद्र थी, और जो है एकदम ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन में दिखाई गई थी वो फिल्म, और जो है मात्र 40 मिनट में वो 40 मिनट की जो है वो पिक्चर थी और एकदम साइलेंट थी। कुछ बोलता मतलब उसमें कुछ ऐसा आज कैसा हम लोग स्पीक करते हुए मूवी देखते हैं, वो फिल्म एकदम साइलेंट थी और 40 मिनट की मूवी थी और राजा हरिश्चंद्र थी। तो जीके में क्वेश्चन आता है कि भारत की प्रथम फिल्म कौन थी, तो राजा हरिश्चंद्र थी, 40 मिनट की थी और एकदम साइलेंट मूवी थी, ठीक है। और इसकी रिलीज डेट जो है बेसिकली याद रखना 3 मई 1913 को जो है रिलीज हो गई थी ये मूवी। और इसका जो बनाने का सारा श्रेय जाता है दादा साहेब फाल्के को जाता है, जिसको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही नींव रखी थी भारतीय सिनेमा की जो है। और उनका जन्म जो है 30 अप्रैल 1870 में हुआ था, ठीक है, जिनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। और मैंने बताया कि ड्यूरेशन वो मूवीज की जो है 40 मिनट की रखी गई थी, और उनके जीवन काल में जो है 95 फीचर फिल्म और 27 शॉर्ट फिल्म जो है उनके जीवन काल में बनी थी, ठीक है। और उनको जो है फिल्म एक्चुअली क्या होता ना कि वो एक दिन उनको माइंड में ख्याल कैसे आया मूवी बनाने का, क्योंकि वो एक दिन एक थिएटर में गए थे मुंबई के थिएटर में, ठीक है, वहां पे एक इंग्लिश मूवी देख रहे थे, ठीक है। तो वो मूवी का नाम था द लाइफ ऑफ चेरिश। तो जैसे वो मूवी देख रहे थे तो उनके माइंड में ख्याल आया कि अगर ये मूवीज विदेशों में बन सकती है तो हमारे यहाँ पे क्यों नहीं बन सकती। तो उनके माइंड में तभी से वो आइडिया क्लिक हुआ, और वो मूवीज देखने के बाद में उन्होंने उस पर रिसर्च किया और वो लंदन गए, और लंदन से उन्होंने बहुत सा लंदन में उन्होंने बहुत सारी जगह विजिट किया, और वहां से उन्होंने कैमराज वगैरह जो इक्विपमेंट लगते थे वो टाइम पे उन्होंने लेके वहां पे इंडिया में आए, और फिर यहाँ पे जो है बड़ी मुश्किल से उन्होंने हार नहीं मानी और उसको प्रयत्न करते गए, और जो है उन्होंने मूवी बनाई राजा हरिश्चंद्र, और फिर जो है उसको रिलीज किया 3 मई 1913 को। तो सबसे बड़ा योगदान था दादा साहेब फाल्के का जो है मूवीज बनाने में, और भारतीय सिनेमा को जो है 100 साल होके गए हैं, और सारा श्रेय जो है दादा साहेब फाल्के को ही जाता है। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी, आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करेगा और लाइक करेगा और सब्सक्राइब करेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी ने वीडियो सब्सक्राइब, बहुत बहुत शुक्रिया।